गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। बात करेंगे 24 जुलाई 2018 के द हिंदू की। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से। हम लोग लगातार इस न्यूज़ पर एक तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं कि लिंचिंग के केस जो है, या भीड़ द्वारा इलीगल तरीके से किसी की हत्या करना, की हत्या का प्रयास करना, इस तरह की चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी जो ताज़ा इंसिडेंट है वो अलवर का है। वहाँ पर एक व्यक्ति है, उनकी हत्या कर दी गई। और हमारी जो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, इनसे दो चीज़ें साफ होती है। पहली चीज़, फ्रस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है कंट्री के अंदर, यानी एक जो स्ट्रेस लेवल बोल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एक्साइटमेंट हो रहा, उतावले हो रहे हैं हम बिना बात के, ठीक है, और प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे हैं। और जो हमारी कल्चर, हम बोलते थे गंगा जमनी तहजीब, ये इस कल्चर पे, इस जो वास्तविकता है, उसी जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिस देश में हम बड़े शान से कहते हैं विविधता में एकता, ये उसी पर प्रहार है। हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ समूह हो सकते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें न केवल किसी व्यक्ति के लिए हिंसा के लिए जिम्मेदार हो सकती है, किसी व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकती है, बल्कि भारत की संस्कृति और भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंज है। और सबसे दुख की बात यह है कि जो लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो एक दूसरे पर जस्ट एलिगेशन लगाते हैं। ये चीज़ें केवल किसी राज्य में नहीं हो रही है, ये इंडिया के हर राज्य की एक समस्या बनती जा रही है। और आवश्यकता इस चीज़ की है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, उस चीज़ में सॉर्ट आउट करें इन इश्यूज़ को, तभी हम लोग इस विषय पर ज़्यादा सोचेंगे। और चूँकि पब्लिक ऑर्डर अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अगर हम देखेंगे, तो पब्लिक ऑर्डर वो है स्टेट की जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा है। बड़े ही एलिगेशन लगाते कि मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, कांग्रेस कुछ नहीं करती, इस तरह की चीज़ें जो है वो बड़ा ही, मतलब इसको और नुकसान पहुंचाती है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिंचिंग से रिलेटेड डाटा नहीं है अवेलेबल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो डाटा होल्ड करता है क्राइम से रिलेटेड, वो डाटा भी अवेलेबल नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आवश्यकता कि डाटा को मेंटेन करें लिंचिंग के, ताकि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, कैसे क्यों हो रही इस तरह की एक्टिविटीज़। और जैसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्द से जल्द पार्लियामेंट को इस तरह का लॉ बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल न हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बिहार से एक शॉकिंग न्यूज आई है। और बिहार में 16 बच्चियाँ जो थी, एक एनजीओ टाइप में रह रही थी, एनजीओ था उसमें वो रहती थी, बालिका घर, यहाँ लिखा हुआ ध्यान से देखेंगे आप, तो रेप केसेस हुआ है। बड़े दुख की बात है कि हम लोग महिलाओं के मामले में इतना अच्छा हमारी कंडीशन नहीं है, फिर भी इस तरह के इंसिडेंट, जो लगातार क्राइम बढ़ रहा है, यानी जिस घर में रह रहे हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में ही बोला गया था कि मोस्टली जो सेक्सुअल असॉल्ट के केस होते हैं या रेप केसेस होते हैं, उसमें नॉन पर्सन ही होता है। ये इन्वॉल्वमेंट एक गलत मैसेज प्रेजेंट कर रही है। और सबसे बड़ी दुख की एक और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिस एनजीओ में ये इस तरह की एक्टिविटी हुई है, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा सुपरविजन किया जा रहा था, ठीक है। 44 गर्ल्स वहाँ रह रही थी। और इस तरह की चीज़ें बड़ी दुखदाई है, बड़ी एक तरीके से सोसाइटी के अंदर एक गलत मैसेज प्रेजेंट करती है। और जो लिंग अनुपात, हम लोग हमेशा एक क्रिटिसाइज करते हैं हरियाणा को, या फिर आप देखो जहाँ जहाँ कमी है सेक्स रेशियो, क्योंकि वहाँ महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कुछ अलग बता रहा है। यानी हम केवल एक विजन लेके चलते हैं कि हाँ हरियाणा में इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर दूसरे राज्यों में जहाँ पर कमी है, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में अगर हम बात करें, तो ये दूसरे राज्य जितने भी हैं, हर जगह इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम एक कंट्री वाइज प्रॉब्लम हो गई है, ना केवल एक स्टेट की, पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है, यहाँ पर हर राज्य की समस्या है। सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की होगी। देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज के इसमें, फ्रंट पेज पर खासकर। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होता था, या बोट क्लब पर जो प्रोटेस्ट होता था,
उसमें जो एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसने जंतर मंतर पर 2018 में बैन लगा दिया था, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये आर्टिकल 19(1) बोलता है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको अपनी बात रखने का अधिकार होगा और सरकार के विरुद्ध भी आप बात रख सकते हैं, राइट, लेकिन बशर्ते आपका जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो पीसफुल होना चाहिए और ऑर्डरली होना चाहिए, मतलब आप ऑर्डर जरूर लें, परमिशन जरूर लें, ये होना चाहिए, यानी प्रोसेस फॉलो जरूर करना पड़ेगा आपको। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध अपने जो सोशल सर्कमस्टेंसेज है, सोशल इश्यूज पर या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, आप वो सरकार के सामने रख सकते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन है, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो कि असम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है कि जो इंडियन सिटीजन है और असम के सिटीजन है, जो बाहर के नहीं, इलीगल नहीं है, वेरीफाई करने का तरीका है, उनमें बोला गया 30 जुलाई को जो फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा और जिसका नाम उसमें बाद नहीं आएगा तो फॉरनर ट्राइब्यूनल में वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉरनर ट्राइब्यूनल का मतलब ये है कि अगर किसी की सिटीजनशिप ऐसे मतलब चले जाते तो अपील कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरीफाइड करवा सकते हैं, राइट। और इसमें 1964 का लॉ जो है, फॉरनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964, ये इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये इंटरनेशनल पेज पर भी आया था, डोनाल्ड और ईरान एंड यूएसए के बीच में जो एक तरह वर्ल्ड वार बोलेंगे कि शब्दों का जो गेम चल रहा है वो बड़ा चैलेंजिंग है। अगर हम ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव से देखें तो ईरान, यहाँ पर हम ईरान को देखेंगे और ये पर्शियन गल्फ है, हालांकि सऊदी अरबिया इसको पर्शियन गल्फ नहीं मानता, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये ईरान लगातार वार्निंग दे रहा है यूएसए को, यूएसए ने कल बोला है कि भाई हमारे साथ पंगा मत लियो, यूएसए है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों से क्या, अगर ईरान और यूएसए के बीच में युद्ध होता है तो ये कंट्री इजराइल, सऊदी अरबिया और यूएई, ये तीनों एक हो जाएंगी इसको हराने के लिए, क्योंकि इनकी पहले ही नहीं बनती सिया सुन्नी, यहाँ पर रिलीजन बेसिस पर एक क्राइसिस है इसराइल के साथ। इसराइल और सऊदी अरबिया के भले ना बने, लेकिन ईरान के मामले में दोनों मतलब दुश्मन के दुश्मन दोनों दोस्त, ये कहावत है और वो अप्लाई होती है इनके इस कॉन्टेक्स्ट में। ये एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और वो है मेडिकल टूरिस्ट लगातार इंडिया के अंदर बढ़ रही है। मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है, मानसून सेशन हो या बजट सेशन हो या फिर विंटर सेशन हो, जो भी सेशन हो, उसमें जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है वो जरूर आप लोग देखें। इससे आपको मेंस में एग्जैक्टली डाटा प्रेजेंट करने में मदद मिलेगी और आप स्टैटिक पोर्शन में स्ट्रांग होंगे। तो इसमें बताया गया कि भारत में लगातार बढ़ रहे, उसके पीछे रीजन बताया कि पहली बात, एडवांस फैसिलिटीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है, बड़ी संख्या में स्किल्ड डॉक्टर हैं और ट्रीटमेंट जो बहुत सस्ता होता है, ये रीजन। इवन वेस्टर्न कंट्रीज के लोग भी हमारे यहाँ पर आते हैं, उसका रीजन यही है कि कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। इसमें विजिटर्स के बारे में बताया गया कि 2017 में 4.95 लाख, यानी 4,95,000 लोग जो है मेडिकल टूरिज्म के बेसिस पर आए। इसमें सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान और बांग्लादेश के थे, ठीक है। यहाँ इतना याद नहीं रखना कि बांग्लादेश के कितने आए या उसके कितने आए, वो ज़रूरी नहीं है। और ईरान, इसके अलावा इराक के, ओमान, मालदीव, यमन, उज्बेकिस्तान और सूडान तक के लोग यहाँ पर आए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, जब पूछा गया कि फॉरेन एक्सचेंज कितनी हमें प्राप्त हुई, यानी जो विदेशी एक्सचेंज होनी चाहिए थी वो हमें इससे कितनी मिली, तो इसकी वैल्यू है 1,70,874 करोड़। देखिए कितनी बड़ी अमाउंट हमें मेडिकल टूरिज्म से मिल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नीति आयोग ने बोला है कि फॉरेन एक्सचेंज का एक बड़ा सोर्स होता जा रहा है मेडिकल वैल्यू पर ट्रेवलिंग करना। हालांकि जो हमारे यहाँ पर कुछ एलिगेशन भी लगते, जैसे इसी बात पर एक तमिलनाडु में इश्यू हुआ था, जो ऑर्गन डोनेटेड वाले इश्यू हुआ था कि जो फॉरनर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई, ये भी एक चैलेंजिंग एथिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज रहा आज का फ्रंट पेज। आगे चलते हैं, देखिए ब्रिक्स की सबमिट हो रही है, पेज थोड़ा कट गया है, यहाँ से माफ़ी चाहूँगा, और इसमें जूमिंग भी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये छोटा होता है ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्रिक्स
कि सबमिट हो रही है 25 जुलाई से 27 जुलाई साउथ अफ्रीका के अंदर, और ब्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स में हम देखेंगे 5 बड़ी कंट्रियाँ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके नाम से ही ये सब होता है। 2006 में बातचीत हुई, 2009 में बेसिकली पहली सबमिट होती है रशिया के अंदर, ये करतन प्रगैस इस तरह का एक जगह है वहाँ पर सबमिट होती है, और 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया। जो सबमिट होते बेसिकली रोटेशन बेसिस पे होती है, मतलब एक बार इस कंट्री में, एक बार उस कंट्री में, एक बार इस कंट्री में, इस तरीके की सबमिट होती है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2014 में जब फोर्ट लीजा सबमिट हो रही थी तो उसमें एक डिसीजन लिया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक बनेगा, और उसके चेयरमैन जो है वो है भारत के। आप लोगों नीचे कमेंट करना ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ, ये यूपीएससी 2017 में पूछा था ब्रिक्स का, और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मैचिंग में आ जाता है। इससे पहले ये ब्रिक्स का क्वेश्चन लगातार न्यूज़ में रहता है, ब्रिक्स लगातार पूछा गया है, इससे पहले फोर्ट लीजा कॉन्फ्रेंस पर पूछा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक के बारे में। तो आप लोगों नीचे जस्ट कमेंट करना कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर क्या है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ये कि ये इकोनॉमी जो है काफ़ी ये सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में रहा अब तक का, जो इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, क्योंकि रेगुलर सबमिट हुई है, बड़े लेवल पर सबमिट होती है, और एक मैसेज है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अगर हम देखें चाइना, इंडिया, रशिया की पॉपुलेशन देखें तो बड़ी अच्छी खासी संख्या में पॉपुलेशन है, और एमर्जिंग इकोनॉमीज भी इनको बोलते हैं बेसिकली, और ये प्रेजेंट कर सकते हैं अपना पक्ष, बड़ा इनका एक भूमिका हो सकती है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जियोपॉलिटिक्स में, पूरी राजनीति में। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एक रिपोर्ट आती है जिसके माध्यम से बताया गया कि एफडीआई जो स्टेट की बात करें, रिजर्व बैंक द्वारा डाटा प्रेजेंट किया गया आरबीआई द्वारा, और इसमें बताया गया कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हुआ, यानी आया है। अब हम बात करें कि एफडीआई आखिर है क्या। एफडीआई बेसिकली एक फॉरेन कंपनी द्वारा हो सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कहाँ पर, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सकते हैं किसी भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब होता है फॉरेन कंपनी द्वारा, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसको सिंपली समझें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, उसमें किसी कंपनी, फॉरेन कंपनी इन्वेस्टमेंट किया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, राइट। और इसका बेनिफिट क्या होता है, पहली बार टेक्नोलॉजी आती है, स्किल आती है, पैसा आता है, और एक स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जिस कंट्री में, हर कंट्री इसी बात पर प्रयास करती है कि हमारे यहाँ एफडीआई आनी चाहिए, उसके पीछे रीज़न ये कि ये थोड़ा परमानेंट होता है इसलिए। और इसी के कंपेयर में जब हम बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फिर विदेशी संस्थागत निवेश, वो टेम्परेरी होता है, इसीलिए इस बार हम देखेंगे स्टॉक मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल सा बना हुआ, उसके पीछे रीज़न यही है कि फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो स्टॉक मार्केट में कंपनी में ही एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उनको जब तक बेनिफिट होता तब तक वे रहती, बाकी चले जाते हैं उसके बाद, यानी आउटफ्लो हो जाता है, देश से बाहर निकल जाता है भाई पैसा हमारा, ये रीज़न है। तो इसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा 300% तक एफडीआई को इंक्रीज देखने को मिला कर्नाटका में, उसके बाद तमिलनाडु बताया गया, उसके बाद पूरी लिस्ट इन्होंने बताई है, जो ये कैपिटल दी गई जो ग्रीन है वो पॉजिटिव और जो रेड है वही नेगेटिव हुआ, जहाँ पर कम हुआ है गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में यहाँ दोनों आ जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, कानपुर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोची, बड़ी सिटीज़ का भी इसमें मेंशन किया गया। ये देखिए हायर, यहाँ पर ये हायर है और ये लोअर स्टेट में बोल सकते हैं, यहाँ पर कम एफडीआई है, ये ज़्यादा एफडीआई यहाँ पर आया, बड़े लेवल पर यहाँ पर एफडीआई हमें देखने को मिलता है। और सर्विसेज की बात करें तो सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा $6,709 मिलियन का एफडीआई आया है, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग है, कंस्ट्रक्शन है, और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जब भी डाटा आए ना तो उसको जस्ट लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देखिए गवर्नमेंट ने जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि यूजीसी की स्थान लेगा, उस पर
बात फाइनली आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस सत्र में, इस सेशन में शायद ये बिल प्रेजेंट किया जा रहा है, इस बॉडी को वास्तव में प्रेफरेंस दी जा रही है, इस बारे में एक तरीके क्लियर कर दी ये बात सेंटर ने। और इसके अलावा जो लोकसभा ने एक अमेंडमेंट करा किस चीज के अंदर, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी NCTE है, उस बिल के अंदर चेंज कर दिया है। इसके अंदर क्या है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को NCTE की परमिशन के बिना टीचर एजुकेशन कोर्सेज को कंडक्ट करने का राइट मिल जाएगा। दिस हैज बीन डन एज वन टाइम मेजर टू इंश्योर दैट द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन इज नॉट जियोपर्डाइज्ड। ठीक है, यानी इस जियोपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालने जैसी सिचुएशन ना हो, स्टूडेंट के लिए सफर ना करना पड़े, इस बात पर खासा फोकस किया गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन में, और एडिटोरियल में चलते ही पहले जो हम चलते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान में इन दिनों इलेक्शन चर्चा में है, मतलब इलेक्शन भी है भी और नहीं भी, दोनों सिचुएशन है वहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन के नाम पर कभी इलेक्शन होता नहीं है वहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम बेसिकली यही है कि जो गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं रही है कभी भी, और मिलिट्री और गवर्नमेंट के बीच में जो रस्सा कसी होती है कि पावर किसके पास होगी, इस चीज़ में काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वहाँ पर गवर्नमेंट अच्छी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, तो इंडिया के साथ रिलेशनशिप सुधरने के चांस ज़्यादा होते हैं, अगर मिलिट्री का इंटरवेंशन ना हो तो। लेकिन अब इस चुनाव को अगर आप एनालिसिस करेंगे, हालांकि हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि पड़ोसी देश और ऐसे देश में चुनाव हो रहा है जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ पर क्या राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है वो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न से भी और हमारे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली वहाँ पर चुनाव हो रहा है और ये शायद इस तरह का दूसरा मौका होगा जब स्टेट जो प्राइम मिनिस्टर के बाद, मतलब गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट ही बनेगी, यानी मिलिट्री रूल नहीं होगा, ये इस तरह की प्रॉब्लम चीज़ें हैं। हालांकि जो मतदाता हैं वहाँ पर काफ़ी नैरो कर दिया गया चीज़ों को, वो आप कैसे, उनके पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहली बात ये कि 100 मिलियन लोग जो है पाकिस्तान में एलिजिबल है वोटिंग के लिए, और इसके बाद जो भी इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जो इमरान खान साहब की पार्टी है, इसके बाद नवाज शरीफ की जो पार्टी है, बिलावल भुट्टो, तीन बड़े राजनेता नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, मतलब बड़े कितने इतने ये तो पाकिस्तान बताएगा, लेकिन तीन पॉलिटिकल लीडर्स बोल सकते हैं जो बड़े हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर इन तीनों के अगर हम पॉलिटिकल चीज़ों को देखें, पहली चीज़ हम इमरान खान वाले कंटेक्स्ट में देखिए, पहली वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है और इमरान खान के इवन कैंडिडेट तक की हत्या कर दी जाती कैंपेन में। ठीक है, 145 लोग मारे गए थे, बलूचिस्तान में अटैक हुआ, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वायलेंस हो रही है। बलूचिस्तान में रीज़न ये है कि बलूचिस्तान के अंदर लोग दिल से अभी भी कनेक्ट नहीं हुए पाकिस्तान से, और बलूचिस्तान एक सेपरिज्म चाहता, सेपरेट चाहता, और इसीलिए पाकिस्तान वहाँ पर ज़बरदस्ती प्रेशर के थ्रू, आर्मी प्रेशर के थ्रू एक तरीके से ये मैसेज देना चाहता है कि आपको यहाँ ज़बरदस्ती रहना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन वहाँ दिखाई देती है। इसके बाद हम देखें जो जो अभी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के नवाज शरीफ, उनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको तो मना ही कर दिया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके अलावा बिलावल भुट्टो और उनके फादर जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, वो भी फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो डिसक्वालीफाई ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखें हाफिज़ सईद पर जैसे लोग वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो 26/11 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, तो क्या पॉलिटिक्स होगी। हालांकि हाफिज़ सईद का रोल ज़्यादा तगड़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से वहाँ पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़, जिहाद या फिर एंटी माइनॉरिटी के विरुद्ध जो जहर घोला जा रहा है वो पॉलिटिक्स में आ गया है। दूसरी बड़ी बात, जो इमरान खान, उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, उनकी वाइफ ने ही लगाए, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी कि ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इमरान खान शादियों के लिए मशहूर है, वो शादियाँ करते रहते हैं, और यही रीज़न है एक स्टेबिलिटी ना होना, उन पर एक पर्सनल अटैक होता है इस बारे में। इसके अलावा कर्ज बढ़ता जा रहा चाइना के थ्रू, और हम अभी देख रहे थे पिछले दिनों न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान में डैम बनाने के लिए, बांध बनाने तक पैसे नहीं है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वहाँ पर
ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है कंट्री को। पैसा नहीं है, वहाँ की इकोनॉमी डाउनफॉल होती जा रही है, जो फॉरेक्स रिजर्व वो कम होता जा रहा है, दूसरी बात करेंसी की वैल्यू इंक्रीज बहुत बहुत कम हो गई है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और चीज़ें क्या रिजल्ट होता है क्या नहीं। हालांकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल है क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी मायने रखेगा वहाँ कौन बनता है। हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ इंडिया के खिलाफ वोटिंग करती है, लेकिन ये माना जाता है कि इमरान खान का जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में हो सकता है पर्सनली, क्योंकि इमरान खान का एक अलग पॉलिसी रही है वहाँ पर। तो देखना ये होगा क्या होता क्या नहीं। आगे चलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, स्टिमुलेट्स मोड। देखिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल का मतलब ये था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, ये यूपीएससी ने पूछ लिया था जीएसटी काउंसिल है क्या, ठीक है, या कौन इसमें चेयरमैन होते। तो फाइनेंस मिनिस्टर होते, वित्त मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते, ये ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया, जीएसटी जब बना था, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन में से के थ्रू बना था ये आप लोगों नीचे कमेंट करना, एग्जैक्ट संविधान संशोधन जो पास है, जिस संविधान संशोधन के थ्रू ये प्रपोज किया गया था वो नहीं, बल्कि जो पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको गजटेड बोल सकते हैं वो आपको नीचे कमेंट करना है। इसमें बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट पर ये एलिगेशन लगता था और ये जीएसटी पर भी एलिगेशन लगता था कि टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट ने बहुत सी चीज़ों की अभी टैक्स स्लैब बहुत कम कर दी है। जैसे अगर हम देखें जो कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको 28% से 18% की स्लैब्स में ऐड कर दिया गया। 5 मेजर स्लैब्स हैं, 0% यानी कोई टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं है, लेकिन वो जीएसटी में आते लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा उन पर, 0% लगेगा। 5%, 12%, 18% और 28%, राइट। इसके अलावा हम देखते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनमें 28% से 12% कर दिया गया है। हालांकि 35 प्रोडक्ट्स पर अभी भी जीएसटी हाई बना हुआ है और ख़ासकर तंबाकू प्रोडक्ट्स जितने हैं, ऑटोमोबाइल और सीमेंट। सीमेंट पर इस तरह की चीज़ें, सीमेंट पर कम किया जा सकता था। इसके अलावा जो राखी है या सैनिटरी नैपकिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटरी नैपकिन यानी वुमेंस जब मेंस्ट्रुएशनल पीरियड में जो पैड यूज़ करती है, हाइजेनिक एक तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वुमेंस को एम्पावरमेंट होगा जब उनकी हेल्थ प्रॉपरली होगी, उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए और रूरल सेक्टर में खासकर विशेष फोकस किया जाए। गवर्नमेंट ने पिछले दिनों ही लॉन्च की थी सुविधा बायोडिग्रेडेबल पैड, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के द्वारा वितरित किए जाने थे, 2.5 रुपये का एक वो पैड पड़ना था। और इस तरह की चीज़ें हैं, जब हम देखते पैडमैन मूवी आई थी तो मैसेज गया था सोसाइटी के अंदर कि महिलाओं में, और हम जब हम बात करते हैं हेजिटेशन नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ों पर, क्योंकि हेजिटेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें हो सकती है, वायरल हो सकता है या फिर बीमार हो सकते हैं या फिर कैंसर जैसी चीज़ों हमें देखने को मिल सकती है। तो इससे अच्छा बेहतर है कि हम लोग इन चीज़ों पर, वुमेन्स हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों पर डिस्कशन करें, तो ये बहुत अच्छा कदम कह सकते गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसी के बारे में बेसिकली है। हालांकि जो प्रोड्यूसर है उनको कुछ ही टाइम दिया गया कि आप तब तक आप शिफ्ट करिए अपना जो भी प्रोसेस है, 27 जुलाई तक आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में अपने आप को ढालना, ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन ज़रूरी है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार एक तरीके से इसमें मेंटेन करें, जीएसटी काउंसिल एक तरीके से राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जीएसटी एक संविधान संशोधन विधेयक है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया और यहाँ पर राज्य और संघ यानी यूनियन स्टेट्स के रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, इसलिए ज़रूरी था कि इस पर काफ़ी डिस्कशन किया जाए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों अगले चार के चार एडिटोरियल इतने अच्छे नहीं है, मैं ब्रीफ में बता दूँ एग्जैक्टली है क्या। इसमें सबमिट्स के बारे में बताया गया, जितनी भी सबमिट हुई है वर्ल्ड में 2-4 सारी बताई गई है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर पहले बताया गया कि यूएसए और रशिया के बीच में जो सबमिट हुई है, ये जितनी वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद सबमिट होती है। उसके बाद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो नैम नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन में सबमिट होती है। उसके बाद अभी हम रिसेंटली देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सोची गए या फिर वहाँ पर चाइना में गए,
वुहान समिट में, इनफॉर्मल समिट में, ये सारी समिट अभी तक होती रही है, राइट। उसके बाद जो नीचे वाला एडिटोरियल है, ये समिट बेसिस है, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन टाइप है, लिंक कर सकते हो, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दे आपके आंसर को। यहाँ पर आर्टिकल जो है वो जजमेंट से रिलेटेड है कि जो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिए जाते हैं उनकी पेज का जजमेंट बहुत तगड़ा होता है, 500-500 पेजेस का, तो यहाँ ज़रूरी है कि उनमें सावधानी किस तरीके से बरती जाती है, राइट। तो ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है, अगर आप बहुत लॉयर हैं, अगर आपके पास लो ऑप्शनल है तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिए, अदरवाइज आप जनरल स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल। यहाँ पर इंडिया और भूटान के बारे में, और इंडिया और भूटान के बारे में एग्जैक्टली कुछ है नहीं, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है वो भूटान और इंडिया के बीच में साइन कैसे करी गई थी, यानी उसके बाद में रिलेशनशिप नहीं बताया है भारत और भूटान के, जस्ट एक संधि कैसे हुई थी, प्रोसेस क्या रहा उसके बारे में बताया गया है। ये इसराइल वाला, इसको हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसराइल में जो भी जेव्स को एक स्पेशल राइट दिया गया है या एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर सकता है, उन चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है बार बार अलग अलग एंगल से, क्योंकि ऐसा नहीं पूछेगा कि इसराइल में जेवियस स्टेट बनाए, अलग लॉ बनाए, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करिए, राइट। और हालांकि इसके पीछे रीजन बताया गया कि जो यूएस का या दूसरी कंट्री जो इसराइल को सपोर्ट करती है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इस तरह के एक्ट बनने के लिए, इस तरह के कानून अगर वहाँ पर बनते हैं तो। देखिए यहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया कि भारत के जो प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में, रवांडा, युगांडा और साउथ अफ्रीका में, तो ये भारत के लिए ज़रूरी कि जो लगातार ट्रेड गिर रहा है, व्यापार गिर रहा है, उसको हम लोग मेंटेन करें। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2018, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2018, यानी जो अंकटाड द्वारा प्रेजेंट करी जाती है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा, इस रिपोर्ट में ही बताया गया है कि ये देखिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो लगातार कम हो रहा है, एक्सपोर्ट भी कम हुआ है और इम्पोर्ट भी कम हुआ है, ये देखने वाली बात। 2014-15 में पिक पर गया था ये, लेकिन अब ये कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको ज़रूरी है मेंटेन करना। दूसरी बात, FDI का आउटफ्लो जो हो रहा है ये भी चाइना का बहुत तगड़ा, यहाँ पर 40 तक हो गया बिलियन डॉलर और इंडिया केवल 14, तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, और ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि इनके बीच में एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो। अगर हम बिजनेस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है कि AT कारने का जो एक FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, ये प्राइवेट सा एक इंस्टीट्यूट लग रहा है, तो इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाते हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये इंडेक्स आया है, FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये किरने का है, और इसमें बताया गया कि भारत 11th नंबर पर आ गया है। इसमें खासकर GST चैलेंज को भी इसमें मेंशन किया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसीलिए कम हुआ कि GST इम्प्लीमेंट हो रहा है, चैलेंज फेस कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये वन साइडेड व्यू हो सकता है, लेकिन प्रॉपरली जो भी इन्होंने मेंशन किया है उसको हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ईरान बिकम इंडिया नंबर 2 ऑयल सप्लायर, यानी ईरान से हम लोग सेकंड नंबर पर ऑयल लेते हैं चाइना के बाद, उसी अमाउंट को बताया गया है, कंफर्म किया गया कि ईरान बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए पार्टनर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है 24 बैंक्स के बीच में, ताकि जो स्ट्रेस्ड एसेट है या ऐसी संपत्ति जो लगता कि अभी वापस नहीं होगी, उस तरीके की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए है, और इसमें कैटेगराइजेशन किया गया है 50 से 500 करोड़, 500 से 2000 करोड़, मोर देन 2000 करोड़, ये इस तरीके से काम करेगा कि एग्रीमेंट है बैंक के बीच में और जो बोरोवर है उनके बीच में, और एक तरीके से एप्लीकेबिलिटी तभी होगी जब 50 करोड़ से ऊपर लोन होना चाहिए। बाइंडिंग है कि 2/3 कम से कम इसमें एग्रीगेट एक्सपोजर हो, अप्रूव हो, ठीक है, ये इसमें मेजरली है। 24 बैंक्स इंक्लूडिंग SBI, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक इसमें ऑलरेडी इसको साइन कर चुके हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ चीज़ें हमें दिखाई देती है, और ये फ्रेमवर्क जो है वो
एंड ऑफ दिस मंथ तक अप्लीकेबल हो सकता है। एक प्रयास है गवर्नमेंट का और बैंक्स का भी कि जो स्ट्रेस्ड संपत्ति हैं, ऐसी संपत्ति जिनमें लगता है कि यार ये पैसा वापस नहीं आएगा या फिर उनमें चैलेंज फेस कर रही है जो प्रॉपर्टी, वो कहीं ना कहीं उसमें मदद मिलेगी उस चीज़ को मेंटेन करने में। तो आज के द हिंदू में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा, और जो एक दो क्वेश्चन है वो ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आप सजेशन देना चाहें, आप सबकी सजेशन वेलकम। थैंक यू, जय हिंद।